हेलो गाइज, मैं रंजीता एंड यू आर वॉचिंग हेल्थ जोन, जहाँ हर ट्यूजडे एंड फ्राइडे मैं आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सैनिटाइजर हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया। आज इसके बगैर हम कहीं आ जा भी नहीं सकते। आज सैनिटाइजर हमारे साथ 2400 घंटों रहता है। तो ऐसे में ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम जो सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि बढ़ते डिमांड के साथ मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइजर आ गए हैं। एक्चुअली हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि जिस सैनिटाइजर में 70-80% अल्कोहल होता है, वही सैनिटाइजर कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित होता है। और ऐसे सैनिटाइजर को बनाने में बहुत सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। इसमें हमारे हेल्थ का तो ध्यान रखा ही जाता है, साथ में ये भी इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि इससे हमारी स्किन में कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसके थ्रू आप घर बैठे ही घर के सामानों से ही ये पता लगा लोगे, बड़ी आसानी से पता लगा लोगे कि आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हो वो असली है या नकली। टिप नंबर वन, पहले आप सबसे पहले एक टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर ले लें। इसमें आप एक पेन की हेल्प से एक सर्कल बनाएं, गोला बनाएं, और इसमें आपके पास जो सैनिटाइजर है उसे स्प्रे कर दें। अगर इंक फैल जाता है तो आप समझ लो कि आपका सैनिटाइजर नकली है। लेकिन अगर ये इंक फैलता नहीं है और पेपर थोड़ी देर में सूख जाता है तो आप सही सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो। टिप नंबर टू, ये है ब्लो ड्रायर टेस्ट। इसमें आपको एक बाउल में आपका सैनिटाइजर, थोड़ा सा सैनिटाइजर आप बाउल में निकाल लें और उसे ब्लो ड्रायर की हेल्प से उसे ड्राई करने की कोशिश करें। अगर विद इन 3 या 4 सेकेंड में वो सूख जाता है तो आपका सैनिटाइजर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये नहीं सूखता 3-4 सेकेंड में तो आप समझ लो आपको अपना सैनिटाइजर चेंज करने की ज़रूरत है। अगली जो टिप है वो और भी आसान है। इसमें आपको एक बाउल में 1 चम्मच आटा लेना है और उसमें अपना सैनिटाइजर थोड़ा सा डालें और उसे आटे की तरह गूंदने की कोशिश करें। अगर ये गूंद जाता है आटे की तरह, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते समय आटा अपना बनाते हैं गूंदते हैं पानी से, अगर वैसे ही गूंद जाता है तो आप समझो कि आपको अपना सैनिटाइजर तुरंत चेंज करना है। लेकिन अगर ये बिल्कुल बिखरा बिखरा रहता है, नहीं गूंद पाता है, तो आप सही सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो। तो आशा करते हुए ये सारी टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ये कमेंट भी कर सकते हो और अपने ओपिनियंस भी शेयर कर सकते हो। साथ में मुझे गाइड भी कर सकते हो कि आप मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।